हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा आम पन्ना बनकर रेडी हो चुका है। ये गर्मियों का मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है, तो चलो इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 आम ले लिए हैं। हमने छोटे वाले कच्चे आम लिए हुए हैं। अगर आपके पास बड़े हो तो आप एक या दो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कच्चे आम लिए हुए हैं। अब हम इसका छिलका निकाल देते हैं। यहाँ पर हमने सारे आम के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम आम का बड़ा बड़ा पीसेस कर लेते हैं। इसी तरह आपको सारे आम के पीसेस कर लेने हैं। हमने आम के सारे पीसेस कर लिए हैं। हमने यहाँ पर एक पतीले में पानी लेकर उबालने के लिए रख दिया है। हमने करीब 1 गिलास पानी लिया हुआ है। पानी को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम सारे आम को इस पानी में डाल देते हैं। और आम को 10 मिनट तक पकने देते हैं। उसके साथ हम यहाँ पे 7 से 8 ब्लैक पेपर लिया हुआ है, हम इसमें डाल देंगे। और एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, ये भी हम इसके साथ डाल देंगे। और इसको ढककर 10 मिनट तक पकने देते हैं इसको। हम आम को चेक कर लेते हैं, वो अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। अभी थोड़ी देर है आम को पकने में, हम उसको थोड़ा और पकाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा आम का पल्प अच्छे से पक चुका है। अब हम इस मिक्सर को ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमारा आम का पल्प ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हम सारा पल्प डाल देंगे। हमने यहाँ पर आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया हुआ है, हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालते हैं और आधा चम्मच हमने सौंफ का पेस्ट लिया हुआ है। सौंफ को हमने पूरी रात पानी में भिगोकर सुबह में उसकी पेस्ट बना ली है। एक कटोरी हमने चीनी ली हुई है। अगर आपका आम बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप ज़्यादा ले लीजिए। हम यहाँ पर 1 कटोरी डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को
अच्छे से पीस लेते हैं। हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इस मिक्सर को एक छन्नी में से छान लेंगे। हमने अच्छे से इनको छान लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा आम पन्ना थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें पानी डालते हैं। हमने करीब आधा गिलास इसमें पानी डाला है और ये हो गया हमारा रेडी। अब हम इसमें इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं। और हमारा बनाया हुआ आम पन्ना इसमें डाल देंगे। और ये रेडी हो गया हमारा आम पन्ना। और हम इसको पुदीना से गार्निश कर देते हैं। देखिए, हो गया ना हमारा आम पन्ना रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।